भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के रेसिडेंसी कोठी स्थित बीती शाम पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को गलत बताया और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीती शाम प्रेस वार्ता में कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई होगी। वहीं उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण रखने में सफल हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल चुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि भाजपा को बंगाल में काफी बढ़त मिली है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ठीक होती भी नजर आएंगी? नहीं, कहीं चरमराई नहीं हुई और अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं तो दो दिन के लिए आया हूँ। पर हाँ, यहाँ पर अगर कुछ कमियाँ दिखेगी मुझे तो मैं बरोबर ठीक करेंगे उसके लिए। ऐसा नहीं लगता है कि अभी कैलाश जी की जरूरत है इंदौर को इस समय में? नहीं, अच्छी टीम अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ कुछ उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि इंदौर के लिए जितना करें कम है, इंदौर का ऋण हम पर बहुत है। आज हम जो भी कुछ हैं वो इंदौर के कारण है, इसलिए इंदौर के लिए तो रात को 2 बजे मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और ये हमारी जवाबदारी भी क्योंकि इंदौर का ऋण बहुत है। जिस तरह की हिंसा हम देखने को, क्या कहना चाहेंगे? अभी अराजकता की स्थिति है वहाँ पर, सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसाएँ हो रही हैं। और ये बात सही है कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, स्वतंत्रता के बाद मैंने ना देखी और न सुनी ऐसी हिंसा, कैसी हिंसा वहाँ पर हो रही है, और उससे इसके आगामी दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं। क्या जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरने की बात की जा रही है, एक धरना दिया है, उसको लेकर काफ़ी विरोध के स्वर हैं कि जिस समय देश में मौत की संख्या बढ़ती जा रही थी उस समय भाजपा ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया और बंगाल में हिंसा पर इस तरह का कदम उठाया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो महामारी से मौत हो रही है उस पर धरना तो नहीं दिया सकता, उसमें व्यवस्था करना चाहिए। और मुझे कहते हुए नहीं बैठ पा रहा है, एक आध दो घटना से हम एकदम नहीं मान सकते, हो सकता है सब एक हो गए हैं और सामूहिक स्थिति की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा जाएगी अभी कोविड काल में, इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा एक दो घटना हो गई है, पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से होकर आए, डॉक्टर से बात करके आए, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार प्रशासनिक ईगो टकरा जाता है, तो बहुत लोग हैं जो ऐसी कोई दुर्घटना हो उसकी चिंता करने वाले लोग हमारे आसपास बैठे हैं जो सब इस पे काम कर। कलेक्टर के व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहे हैं, उनका व्यवहार सही नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से उनके जो व्यवहार है उनको झेल रहे थे अधिकारी। देखिए, एकदम मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कई बार नहीं, हमने बहुत गेन किया है, हम बंगाल में कहीं पर भी नहीं थे, और यदि कांग्रेस और CPM आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम काफ़ी अच्छे होते। पर कांग्रेस और CPM ने TMC से समझौता कर लिया और अपने वोट पूरे TMC में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए कांग्रेस भी जीरो हो गई और CPM भी जीरो हो गई, लेकिन 9% उनका वोट सीधा ट्रांसफ़र हो गया, तो निश्चित रूप से जो 9% वोट ट्रांसफ़र हुआ तो वो TMC के लिए बढ़ोतरी। और जहाँ तक क्या खोया क्या पाया की बात करें तो हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, हमने पाया ही पाया। हमारे पास पहले 3 सीट थी, अब 77 सीटें, मतलब 25 गुना हमें हमारी बढ़ोतरी हुई। फिर हर ज़िले में हम पहुंच गए, हर विधानसभा में हम पहुंच गए, तो हमारे संगठनात्मक रूप से तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और हमने वहां पर काफ़ी कुछ पाया। अब यदि वहां पर बायपोलर पार्टी हो गई, BJP और TMC, देर इज नो वाम, देर इज नो कांग्रेस, तो हमें तो हालात आपको लग रहे हैं अभी शहर के? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, जो कुछ कमियाँ थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है, और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूँ कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है,
बड़े बड़े शहरों में तकलीफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, एक रोड मैप बनना चाहिए हमारा। अगर हमने ये भी किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आजकल मशीन आती है जिसमें 50 बेड और 100 बेड को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, लगभग बहुत महंगा भी नहीं होता, करोड़ सवा करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आग्रह करना चाहिए कि वो सब लोग लगाएं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी माननीय विधायक, उन्होंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था, पर अधिकांश ने कहा है कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के लिए बनेंगे, ऐसा आश्वासन दिया था। पर और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंदौर से ही पार्टी ने, सांसद जी ने, विधायकगणों ने, सबने मुख्यमंत्री से कहा था कि इसमें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।